48 साल का एक गुजराती अधेड़ जो अपनी पूरी जवानी एक सुदूर अफ्रीकी देश में बिताकर भारत लौटा है, जिसने अपने वकालत के पैसे से खूब सारी शोहरत और दौलत भी कमाई है, जिसके पास ऐसो आराम का हर वो साधन हो सकता है जिसकी कोई भारतीय इच्छा करे, वही व्यक्ति 4 साल बाद सन 1917 में बिहार के एक गाँव चंपारण में गरीब अर्धनग्न किसानों को देख कर शपथ लेता है कि आज के बाद वो भी कभी पूरे वस्त्र नहीं पहनेगा। यह वह व्यक्ति है जो एक तरफ कानून का रखवाला था तो दूसरी तरफ ताल ठोक कर कानून को तोड़ने वाला, किसी के लिए रामराज्य की संकल्पना वाला कट्टर हिंदू तो किसी के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण का अग्रदूत, कभी ये पत्रकार था तो कभी प्रोपेगेंडिस्ट, किसी के लिए राजनीतिज्ञ तो किसी के लिए संत, कोई इन्हें मूल्यों की राजनीति करने वाला व्यक्ति कहता है तो कोई अंग्रेजी राज का एजेंट, किसी के लिए व्यक्ति अहिंसा का पुजारी तो किसी के लिए देश का सबसे हिंसक व्यक्ति, कभी ये समानतावादी था तो कभी रंगभेदी। आप समझ ही गए होंगे, इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। साल 1913 में गांधी जब भारत लौटे तो शायद उनके पक्ष में कुछ भी नहीं था। एक सामान्य से भी कम कदकाठी वाले व्यक्ति जिसका धर्म, जाति और क्षेत्रीयता किसी भी तरह उसे कोई भी राजनीतिक लाभ नहीं दे रही थी, और ना ही वह व्यक्ति कोई कुशल वक्ता था। इस सब के बावजूद वह इस देश के सबसे महानतम लोगों में से एक हुआ। महात्मा बुद्ध के बाद शायद ही किसी व्यक्ति ने समाज को इतने गहरे स्तर पर छुआ होगा जितना महात्मा गांधी ने। पर हर महान व्यक्ति की तरह ही गांधी के जीवन के भी शायद सब आयाम विमर्श का विषय रहे हैं। ऐसा ही एक आयाम है गांधी का रंगभेदी होना। साल 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी अफ्रीकी देश घाना की यात्रा पर गए। इस दौरान उन्होंने वहां की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया। पर साल 2018 के दिसंबर में घाना के लोगों ने उस मूर्ति को वहां से तोड़ फेंका, जिसका कारण उन्होंने गांधी का रंगभेदी और नस्लभेदी होना बताया। पर क्या खुद रंग से श्वेत गांधी रंग और नस्लभेदी थे? इसके लिए हमें 130 साल पीछे जाना होगा। लंदन से वकालत की पढ़ाई पूरी कर गांधी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका में वकालत शुरू की। भारत की तरह ही दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजी हुकूमत थी और उस दौरान वहां मुख्यतः 3 नस्लों के लोग रहते थे। पहला, दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत मूल निवासी जिनमें बंटू जनजाति भी थी, जिसे अंग्रेज काफिर कहते थे। ये दीन वालों वाला काफिर नहीं है। तो पहले काफिर, दूसरे उपनिवेशी अंग्रेज अधिकारी और तीसरे अंग्रेजों द्वारा दिहाड़ी मजदूरी के लिए बसाए गए प्रवासी, जिनमें एक बड़ी संख्या भारतीय लोगों की थी। गांधी के अफ्रीका पहुंचने के बाद वह जल्दी ही वहां रह रहे प्रवासी भारतीय समुदाय के नेता बन गए। अफ्रीका में अपने लगभग 20 साल के प्रवास के दौरान गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत और कानून के प्रति अपनी निष्ठा बरकरार रखी। हालांकि इस दौरान गांधी ने कई बार आंदोलन और अनशन भी किए। इसी दौरान गांधी की चिट्ठी और पत्रों से पता चलता है कि गांधी खुद को और अपनी नस्ल को अफ्रीकी नस्ल से श्रेष्ठ मानते थे। साल 1896 में गांधी कानून का विरोध करते हुए लिखते हैं, ब्रिटिश भारतीयों के लिए बनाए गए इस कानून का उद्देश्य देश के भारतीय समुदाय का स्तर यहाँ के मूल निवासियों अर्थात काफिर रेस के स्तर पर लाना है। फिर 1896 के अंत में गांधी लिखते हैं, हम यूरोपियन सरकार के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेंगे जो हमें अफ्रीकियों के स्तर पर लाना चाहते हैं, जिन अफ्रीकियों का व्यवसाय शिकार करना और कुछ पशु जुटाकर उनसे एक पत्नी खरीदना है, फिर अपना पूरा जीवन उनके साथ नग्नावस्था और आलस्य में बिता देना है। साल 1905 में अफ्रीका में भयानक प्लेग फैला। उस दौरान गांधी लिखते हैं कि हमें पता चला है कि प्लेग हॉस्पिटल में भारतीयों और काफिरों के बीच कोई अंतर नहीं रखा गया, दोनों को बिना किसी पक्षपात के एक साथ रखा गया है, जो गलत है। साल 1908 में गांधी को 2 माह की जेल हुई। इस दौरान गांधी लिखते हैं कि ब्लैक अफ्रीकन्स को परोसे जाने वाला खाना गोरे अंग्रेजों की सब्जी के बचे और सड़े छिलकों से बनता है, जो ना तो धुला होता है और ना ही मसालेदार। भारतीयों को इससे अलग ट्रीट किया जाना चाहिए। गांधी लिखते हैं कि ये काफिर असभ्य लोग हैं जो गंदे और जंगली जानवरों की तरह रहते हैं। फिर साल 1910 में गांधी इंडियन ओपिनियन में लिखते हैं कि यहाँ के कुछ भारतीय लोगों ने काफिर औरतों के साथ संबंध बना लिए हैं। मुझे लगता है ऐसे संबंध खतरों से भरे हुए हैं।
भारतीयों को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। असहयोग आंदोलन के बाद 1924 से 1930 तक और फिर 1934 में सविनय अवज्ञा के बाद वो गांधी ही थे जिन्होंने देश भर में हरिजन उद्धार, दलित उद्धार जैसे दसियों कार्यक्रम चलाए। पर क्या कारण था कि यही समाज सुधारक गांधी अफ्रीका के अपने दिनों में घोर नस्ल भेदी थे? इतिहास लेखन और अध्ययन के लिए कहावत है, नॉट टू जज द पास्ट बाय प्रेजेंट डे स्टैंडर्ड्स, अर्थात अतीत का मूल्यांकन वर्तमान के मानदंडों के अनुसार नहीं करना चाहिए। शब्द और परिस्थितियां समय के साथ अपने मायने बदल लेती हैं। आज अफ्रीका में वो काफिर शब्द भले ही अमानवीय और नस्ल भेदी हो, पर गांधी के समय में ये सामान्य शब्द था। इसके साथ ही अफ्रीका में जो व्यक्ति था वो कोई महात्मा नहीं बल्कि 24 साल का वकील था जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों को अंग्रेजों के समान अधिकार दिलाना था, जो अपने अनुभवों से सीख रहा था और उन्हें लगातार ठीक भी कर रहा था। नेल्सन मंडेला भी गांधी के संदर्भ में लिखते हैं, कुल मिलाकर महात्मा गांधी को उन सभी पक्षपातपूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा कर देना चाहिए और उन सभी कृत्यों को समय और परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पर इन सब के बावजूद भी गांधी द्वारा कहे और लिखे गए इन शब्दों को ना तो कोई मिटा सकता है और ना ही कोई छिपा सकता। इस पर बात होनी चाहिए, किसी व्यक्ति और समाज को दूषित करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि समाज की वर्तमान समस्याओं को आईना दिखाते रहने के लिए, ऐसा जरूर होना चाहिए। सत्य और सत्याग्रह को अपने जीवन का मूल आधार मानने वाले गांधी जी के जीवन के इस सत्य को आपके सामने लाना महात्मा गांधी की जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पर इसी के साथ हमारा निवेदन है कि महात्मा गांधी की आलोचना और प्रशंसा दोनों ही अध्ययन और तर्कों के आधार पर होनी चाहिए, ना कि बाजार में प्रचलित किंवदंतियों के आधार पर। आप देख रहे थे TFP न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए। सभी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thefourthflood.in को विजिट कीजिए और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए TFP न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।